नौवा अध्याय प्रारंभ। मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कार्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अपने आतुर कालिक दान के संबंध में भली प्रकार से समझाया, अब मुझे मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। भगवान वासुदेव ने कहा, हे तापसर, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को का वर्णन करता हूँ। कर्म के संबंध में से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है, तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से में एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल पर तिल स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शीला शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अपने पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति होती है, उसके समीप रहने से व्यक्ति की निश्चय ही मुक्ति हो जाती है और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया उसके समीप प्राण छोड़ने से मुक्ति मिलती है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, वह घर तीर्थ रूप समझना चाहिए, इसलिए उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है, वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त होकर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर कुशा के आसन पर प्राण त्यागने वाले मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। तीन प्रकार के काले, सफेद व भूरे तिल, कुशा और तुलसी, ये सब अंतिम समय में व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं, अंतः ये वे पवित्र हैं। असुर, दानव व दैत्य तिलों को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्षर, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति हैं। इस कारण उनके स्पर्श से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, इसके मध्य में जनार्दन और इसके अग्र भाग में शंकर आदि देवता विराजते हैं। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, ये सब बारंबार कार्य में आते हैं, किंतु अपवित्र नहीं होते। पिंड पर स्थापित दर्भ, प्रेत, भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गौ, तुलसी, ये तीनों नीच के पास हो तो भी आग्रह है, और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। गौ के गोबर से लीपकर उस पर कुशा बिछाकर मरणांत कर्म पृथ्वी पर करने चाहिए। आकाश में मरने वाले की शैया ना करें। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित हैं, इसलिए मंडल अवश्य बनाएं। सब भूमि पवित्र है। यहाँ पर जहाँ लेप नहीं होता, वहाँ कभी लीपा गया है, वे दोनों लीपने से ही शुद्ध होती है। बिना लीपी हुई पृथ्वी और चारपाई पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रेक्षण पक करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे, तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पीने से तीर्थों पर स्नान दान करके करने का फल प्राप्त होता है। जो चंद्रायन व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया, वे गंगा जल को पीने वाले दोनों समान समझे जाते हैं। हे गरुण, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जल का पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल पीता है, वह सब योनियों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियां स्नान करने से पापी व्यक्तियों को पवित्र करती हैं। गंगा नदी के दर्शन मात्र और स्पर्श से तथा पान करने से
गंगोच्चारण करने से हजारों पापी व्यक्तियों को पवित्र कर देती है। इसलिए गंगाजल संसार का तारक है। जो आदमी प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहकर पुकारता है, वह विष्णु लोक को जाता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं होता। प्राणों से निकलते समय जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त होकर हृदय से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा का नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक का पाद भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्रोत के श्रवण करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। हे गरुण, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैराग्य युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करे या आतुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठगत होने पर भी पर जो सन्मयस्त शब्द कहे, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होकर भी जन्म नहीं लेता। हे गरुण, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत्य हुए हैं, उस पुरुष के ऊर्ध्वाधर मुख से प्राण निकलते हैं। मुख, नेत्र, नाक, कान, इन द्वारों को ऊर्ध्वाधर द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योनियों के दशम द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान है में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर को रूप पुतले से निकलता है। प्राण वायु रूपी शरीर से के निकल जाने पर काल के आहत शरीर निराधर वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद भी शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, ग्रणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदनीय हो जाता है। इस शरीर को की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अत्यंत चिता से भस्म हो जाता है। इसलिए भ्रम क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्य के द्वारा गर्भ क्यों किया जाए। पंचभूत में से निर्मित इस शरीर को पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाए, जल तत्व जल में, तेजस्व तेज में, वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नियुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। वह आत्मा दश इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध आदि से युक्त है। वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन पांचों कोशों से व्याप्त है। ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नव ग्रह में प्रवेश करता है, ऐसे ही जीव के निकलने से समय छत्र चामर से युक्त होकर सुवर्ण आदि घूंघर बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं। धर्म सार को जानने वाले बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनके ऐसे विष्णु दूत अपने धार्मिक विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्जवल वस्त्र, पुष्प आदि की माला तथा सुवर्ण रत्नों से आभूषण सहित वह महान प्रतापी मनुष्य अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं के पूजन योग्य क्षण भर से स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए आतुर कर्म अवश्य करें। नवा अध्याय समाप्त।